आदर्श विद्यालय से योगेश साहब कल अपने रिपोर्ट रीडर स्पीच के तहत जो परिवर्तन होते हैं आरएस में और आरबी में, आरएस की रिपोर्ट रीडर स्पीच में और आरबी में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में अपने शुरुआत एम की बेस के बारे में अध्ययन किया था। आज उससे आगे थोड़ा सा देखते हैं, उसमें आपको बताया था उसमें चेंजेस होते हैं तो प्रोनाउन में, वर्ब में, टेंस में और उसके बाद कनेक्टेड जो होते हैं उनमें अपने बदलाव करते हैं। आज अपने जो है प्रोनाउन एम की सर्वनामों में होने वाले परिवर्तन जो है वो अपने को अध्ययन करना है। प्रोनाउन एम की फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, ये सारे क्या हैं? फर्स्ट पर्सन में होते हैं। सेकेंड पर्सन होता है यू एंड योर। सेकेंड पर्सन श्योर। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन वे। ये थर्ड पर्सन होते हैं, उनका अपने को अध्ययन करना है। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है सर्वनाम जो रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदला जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकेंड पर्सन होता है उसको अपने रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट के अनुसार अपने क्या करते हैं उसको बदलते हैं। और थर्ड नंबर है अपने रिपोर्टेड स्पीच में जो थर्ड पर्सन के सर्वनाम होते हैं उनमें क्या होता है कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उसके लिए एक शॉर्ट क्या है ट्रिक दी हुई है एस ओ एन अपॉन क्या होता है 1, 2, 3 यानी कि सन बटा 123। तो सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में क्या होता है कोई चेंजेस नहीं होता है। चौथे नंबर आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है कि दो में चेंजेस होता है उनको अपना अगर तालिका याद करेंगे तो अपने क्या होगा परीक्षा में जब रिपोर्टिंग वर्ब आता है रिपोर्टेड स्पीच यानी कि डायरेक्ट आते हैं इनडायरेक्ट आते हैं तो उनको बदलने में अपने को सहूलियत रहेगी। पहला है फर्स्ट पर्सन जैसे आई तो उसको बदलना अपने को माई, मी, माइन और माई सेल्फ में बदल सकते हैं। दूसरा आपके वी एंड की बहुवचन है तो उसको बदलते हैं अपने आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्फ एंड थिंग्स जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपने को दे रखा है उसके हिसाब से। सेकंड पर्सन आपको बताया था क्या होते हैं यू एंड योर्स। यू किसमें बदलता है योर में, फिर यू बदलेगा आपके योर्स में, योर सेल्फ में और यू योर एंड योर सेल्फ में बदलेगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपको बताए थे ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन वे तो यहाँ पर ही को बदलते हैं अपने हिज में, सी को बदलते हैं हर में और हिम और हर इनको भी हिम और हर में बदलेंगे। हिज हिमसेल्फ में और हर से हरसेल्फ में बदलेगा। दे बदलेगा आपके दियर और दे में बदलता है और बहुवचन में है तो क्या होगा देम सेल्फ में बदल देगा। इसके आगे अपने क्या करेंगे रिपोर्टेड ये तो था आपके प्रोनाउन बदलने के लिए। अब अगला जो अपने जो फिल्मांकन करेंगे या वीडियो बनाएंगे उसमें अपने वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे, वर्ब कैसे चेंजेस करना है, उसका टेंस कैसे चेंज करना है, कनेक्टिंग कैसे चेंज करना है, एडवर्ब में कैसे चेंजेस होंगे तो आगे वाले जब वीडियो बनाएंगे उसमें अपने करेंगे। तो अपने जो रिपोर्टेड स्पीच के दो फिल्मांकन किया है पहले में अपने क्या किया रिपोर्टेड यानी कि आर एस और आर वी के बारे में अध्ययन किया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन किया क्या होता है। उसके बाद अपने दूसरे नंबर जो स्टेप है वो है सर्वनाम में परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन होगा आपके वर्ब में, उसके बाद टेंसेज में परिवर्तन होते हैं, कनेक्टिव में चेंज होगा, आरएस में जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से अपने आगे आगे जैसे अध्ययन करेंगे उसमें अपने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पोर्शन है वो अपने क्लियर होगा। धन्यवाद।